मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम रितिका मंगलानी है, मैं आगरा से हूँ। हालेलुया। सिंधी परिवार से हूँ मैं और हिंदुओं से हूँ। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन आकर गवाही देता तो आप कहते ये अपने प्रभु की या अपने भगवान की तारीफ कर रही है या उसकी गवाही दे रही है, पर मैं एक हिंदू परिवार से हूँ मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम रितिका मंगलानी। हालेलुया। सरनेम से तो जान जाओगे मेरे भाई और बहनों। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मूर्ति पूजक, मेरे ससुराल वाले वो भी मूर्ति पूजक हैं। मैं अपनी गवाही देने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे उस सर्वशक्तिमान के आगे जिसने सारे जग को बनाया है, जग का तारणहार पालनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके सामने हम झुक जाएंगे। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों तले आते अब्बा परमेश्वर प्रभु जी, एक एक को आपके लहू में ढापते खुदावन पिता, इस ग्राउंड को आपके लहू में ढापते परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर प्रभु एक एक पे आपके अनुग्रहकारी बलवंत हाथ आने पाए मेरे परमेश्वर, एक एक को आप छुइए मेरे पिता, पाक रूह तू कब्जा ले ले रब्बी, अब्बा तू तरा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन जब ये गवाही बांटी जाए मेरे प्रभु अब्बा, सबके हृदय खुदावन तू छेद दे खुदावन पिता, हर एक घुटना टिके, हर एक जबान अंगीकार करे यीशु मसीह परमेश्वर है। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, जिस रीति से मेरे जीवन में आपने काम किया मेरे प्रभु, हर एक के मेरे पिता जीवन में आप काम कर लो प्रभु जी, हे महाप्रतापी राजाओं के राजा परमेश्वर प्रभु जी, मुझ पे कब्जा ले अब्बा, मुझ पे कब्जा ले अब्बा परमेश्वर प्रभु, देह तो मेरी पर बोलने वाले ओ परमेश्वर अब्बा आप होने पाओ मेरे पिता, ओ परमेश्वर प्रभु अब्बा, जब आप बोलते हो खुदावन ये धरती थरथराती है खुदावन पिता, ओ महान परमेश्वर प्रभु एक आग सी लग जाए, एक आग सी लग जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, हे खुदावन तू बोल अब बातचीत कर, ओ परमेश्वर हे यहोवा तू बोल, आज तेरे दास दासी सुनते हैं खुदावन परमेश्वर, हे दयालु सामर्थ्य परमेश्वर एक एक को आपके हाथों में देते हैं, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु की दीवानी हूँ, हालेलुया, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर हमको जानता था। हालेलुया हालेलुया। बचपन से ही मैं बिजनेस में थी, शुरू से बचपन से ही मैंने बिजनेस किया हुआ है, और जब मैं शादी करके गई हूं तो एक महायाजक के परिवार में, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है डॉक्टर शंकरनाथ पीर योगी, नाथबंद के सबसे बड़े महायोगी वही हैं, उनकी मैं छोटी बहू हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर की करुणा में मैं पाई जाती हूँ। हालेलुया। सचमुच वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम ईसाइयों से नफरत करते थे, हम ईसाइयों से नफरत करते थे मेरे भाई और बहनों, हम मसीह से नफरत करते थे, पर मसीह हमसे प्यार करता था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसकी दृष्टि हम पे आ गई। हालेलुया। तभी हाँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने बेटे के कारण मसीह में आई। हालेलुया। क्या आप गवाही सुनना चाहते हैं? समय बहुत कम है, पर परमेश्वर जो आपसे बोलना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी, 5 या 7 साल की उम्र थी, और मेरे मम्मी पापा मंदिर में लेके जाते, दादी मेरी और मेरे पापा हमेशा मंदिर में मुझे लेके जाते थे। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये स्वर्ग किसने बनाया, ये आसमान किसने बनाया, ये धरती किसने बनाई है पापा? पापा ने कहा सब इन्हीं ने बनाया है, जहां मंदिर में बैठे थे इन मूर्तियों ने बनाया है। मैं बड़े हैरानी से देख रही हूँ पापा को, और पापा से मैंने कहा, पापा
आप एक बात बताइए कि हम किसी के भी घर में जाते हैं तो वो कहते हैं आइए बैठिए बात करते हैं, और हम हमेशा इनके लिए सब कुछ लेके जाते हैं पर वो हमसे बात नहीं करते हैं। पप्पा हमारा बनाने वाला कौन है सच बताइए। फिर पप्पा ने कहा हमारा बनाने वाला यही मूर्तियां हैं। मैंने कहा नहीं पप्पा, पप्पा अगर हम जिंदा है तो हमारे बनाने वाला भी जिंदा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। छोटी उम्र में मैंने बोला था, मेरे पापा ने कहा अब भी यहां से भाग तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, आइंदा मंदिर में मत आना। हालेलुया। बचपन से मेरी खोज थी मुझे मेरा बनाने वाला कौन है। हालेलुया हालेलुया। ये छोटा सा सवाल परमेश्वर में आने के बाद मुझे मिल गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते और महायाजक की बहू तो मैंने सारी विधियां निभाई। आगरा के महायाजक हैं, सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है मेरे ससुर का। पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी हमें चढ़ी गई थी क्योंकि अनाप शनाप पैसे हमारे पास, आगरा की आधी मार्केट के मालिक, अनाप शनाप पैसा हमारे पास, पर हमारे जीवन में शांति नहीं थी क्योंकि हमारे जीवन में यीशु नहीं था। हालेलुया। आज हम धनवान है क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है। हालेलुया हालेलुया। बिजनेस में हम खोए हुए थे। मैं 8 साल तक मैं अपने परिवार में गई नहीं। जैसे ही शादी करके आई हूं मैं अपने परिवार में नहीं गई, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मेरा माई बाप पैसा जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, घमंड और अहंकार मेरी पहचान थी कि मेरे सामने कोई खड़े नहीं हो सकता। हमारे परिवार की यह पहचान थी कि सबसे बड़े धर्मी हम हैं। बहुत ज्यादा घमंड था पैसों पे, किसी को रथों पे, किसी को घोड़ों पे, मुझे अपने नोटों की गड्डियों पे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये पैसे की गर्मी पूरी उतार दी प्रभु ने। 8 साल तक मैं मैके नहीं गई, पर एक दिन मेरे पापा की मैंने लाश देखी सपने में कि मेरे पापा मर गए, और जो मेरे बड़े महायाजक जो ससुर जी हैं उनका नाम गुरुजी के नाम से फेमस है। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ गुरुजी के नाम से पहचाने जाते हैं। और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। तब गुरुजी ने कहा ठीक है आप जाइए। 8 दिन की छुट्टी थी और मैं रवाना हुई, और जब ध्रुव भिलाई सुनाया अपने रायपुर, वहां पर मेरे मैके, मैं वहां रवाना हुई। और मैं जब गई, मेरा बेटा 8 साल का है, दोनों माँ बेटे हम गए थे। जब हम गए तो मेरी बहन किरण फिलिप अमेरिका में रहती है, उनकी भी पंजाबी चर्च है, वो भी इत्तेफाक से आई हुई थी। उसने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी की, तभी हम उससे नफरत करते थे, पर वो आई हुई थी, फिर भी हमने उसे गले लगाया। पर हमने शिकंजा कस रखा था कि किसी भी रीति से इसको वापस अपने धर्म में लेके आना है। वो बार बार कोशिश करती थी कि मैं वचन बोऊं, हम उसकी बोलती बंद कर देते थे कि क्या वचन सुनाएगी। हम बताते हैं हम महायाजक की बहू हैं, कौन सा शास्त्र तुझे चाहिए। वो चुपचाप रह गई, उसे मौका ही नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे मौका दिया, किरण ने मौके में चौका मार दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं मार्केट जा रही हूँ, संसार की थी, संसार की बातें करती हूँ, और मार्केट जा रही हूँ, और मैंने अपने बेटा किरण को दे दिया। मैंने किरण तू मासी संभाल, और मेरे बेटे को उसने संभाला। बहुत ही ध्यान से सुनना, एक वचन काफी है जीवन को पलटने के लिए। हालेलुया। एक वचन ने मेरे जीवन को पलट के रख दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही मैं मार्केट गई, परमेश्वर ने पीछे से काम चालू कर दिया। मेरे बेटे को मेरी बहन चर्च लेके चली गई क्योंकि उसने सुना परमेश्वर के दास राजेश जैन मेनोनाइट चर्च में आए हुए हैं, और वो दुर्ग मेनोनाइट चर्च में जब मेरे बेटे को लेके गई, परमेश्वर के दास अपने कलाम के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा जब सुना ही रहे थे और बीच में रुक गए और मेरे बेटे के नाम पे कहने लगे कि सिस्टर आप खड़े हो जाइए, क्या ये बेटा आपका है। बोली नहीं, मेरी बहन का बेटा है। और वो बोलने लगे ये बच्चा साधारण नहीं है, ये तो शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा। हालेलुया। किरण आत्मा से भरी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बेटा हुआ जो बेटा था वो मंदिर में दिया हुआ दान है। जब हमारा एक बच्चा जो बेटा पैदा होता है, पहला बेटा, हम मंदिर में दान देते हैं।
उसका राज तिलक नहीं हुआ था, राज अभिषेक नहीं हुआ था, पर हमने मंदिर में दिया हुआ है। अब साधारण तो था ही नहीं ना, ये नाथ पंथ की सीट का वारिस था। परमेश्वर की योजना अलग है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। इंसान की जब सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर का काम चालू हो जाता है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों। और वो आत्मा से भरी हुई मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी आप बहुत खुश नसीब हो, मैं तो घमंडी और अहंकारी, अपने पैसे पे गुरूर था मुझे, अपनी औलाद पे मुझे गुरूर था। कभी भी दोनों चीजों पे आप घमंड मत करना, एक औलाद पे और दूसरा पैसे पे, ये दोनों चीजें ऐसे निकल जाती है मालूम भी नहीं पड़ता। मैंने दोनों चीजों पे घमंड किया था। और किरण को मैंने जब बोला, क्यों कह रही है तुम खुश नसीब हो, वो बोली कि दीदी इसीलिए खुश नसीब हो आप, क्योंकि आपका बेटा आगे चलकर शमूएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा, ये तो यीशु का चेला होगा। मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैंने कहा मेरे बेटे को कहां लेके गई थी बता तू, क्योंकि मैं थरथरा गई थी कि अब गुरुजी मेरी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि मैं गुरुजी की चहेती बहू, मुझे बेटियों के समान पाला है उन्होंने और मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं एकदम थरथरा गई। और किरण ने जब मुझे बोला तो मुझे बता रही है मैं चर्च लेके गई थी और मैंने रोना पीटना चालू किया, मेरे घर को बर्बाद करने वाली ये किरण है, मेरे घर में आग लगा दी। अच्छा खासा हम खा रहे पी रहे उड़ा रहे हैं सब पैसे और मेरे घर में अचानक से आग इसने दे दी, क्योंकि मेरे बेटे को ये लेके गई। अब मेरे ससुर को मालूम पड़ा, पहले तो मेरे बेटे को गौमूत्र से नहलाएंगे, इसके बाद मुझे भी, फिर कहेंगे अपनी ये बहन इसकी क्रिश्चियन है तो ये भी क्रिश्चियन बनने चली है, रोज रोज के ताने मारेंगे, मैं तो जी नहीं पाऊंगी। मैंने रोना चालू किया, मेरे घर वालों ने समझाया ये बात यही दफन कर, किसी को कुछ मत बता, चुपचाप चले जा ससुराल, किसी को कुछ मत बताना। अब मैके की बात है, दबानी तो पड़ेगी, मैंने दबाई, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। हालेलुया, सच तो सामने आना ही है। हालेलुया, मेरे शोरूम है आगरा में, दो बड़े शोरूम है और मैं वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते थे, क्योंकि बिजनेस में कोरा झूठ चलता है, कोरा झूठ। मेरे भी पाप का घड़ा भर गया और मेरे बेटे की अचानक से तबियत खराब हुई। और मेरे बेटे की जब तबियत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब चेकअप हुआ तो सिकलिन पाई गई, सिकलिन पाई गई, जब एडमिट ही था उसको खून चढ़ाया गया, खून पानी हो गया 15 दिन के अंदर। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है टोना हो गया, टोटका हो गया, जादू हो गया, किसकी नजर लग गई, किसकी बददुआई लग गई, समझ नहीं आ रहा। मुझे इकलौता बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं, मेरे प्रॉपर्टी का वारिस, हर चीज का वारिस यही है। मेरे मन में एकदम दुविधा। जब उसको एडमिट किया गया, वो झटके देना चालू किया, झटका मतलब मिर्गी, मिर्गी के झटके आने से एक मुसीबत टल नहीं रही है, दूसरी मुसीबत सामने। जैसे ही मिर्गी के झटके, वो पलंग से जैसे गिरा, हमने हाथ पकड़े, पैर पकड़े उसके, मेरा बेटा कोमा के अंदर चला गया। जब कोमा में गया, मन बेईमान हो गया, कहीं मेरा बेटा मर न जाए, कहीं मेरा बेटा मर न जाए। जैसे ही दुकान के शटल नीचे हुए, फिर खुले ही नहीं। हम दोनों पति पत्नी हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में झोली फैला के भीख मांगते थे, कोई भी भगवान हो हमारे लिए आ जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम उनको ही मानेंगे। मेरे लिए कोई नहीं आया, मेरे लिए हर दरवाजा बंद हो गया, हर दरवाजा, हर दरवाजे पे भीख मांगी, कोई नहीं आया। मेरे बेटा ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे ऐसे पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड जैसे बाहर निकले आईसीयू से और मैं अंदर जैसे गई हूं, मेरा बेटा ऐसे ऐसे उंगली उंगली कुछ ना, होश नहीं ला सके, एक उंगली हिलाने के लायक नहीं, वो ऐसे मुर्दों के समान पड़ा। जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, नैपकिन मैंने गीला किया, मैंने मुंह पोछू, जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, पूरा खून खून खून, कान से ऐसे खून बहते जा रहा है, पूरी चादर खून। सामने डॉक्टर थे, नर्स थे, आए दौड़ते, मैंने बताया कि खून खून है। जैसे ही यहाँ का खून बंद करने की कोशिश की तो नाक से खून बहना चालू हो गया, दोनों धाराएं ऐसे बह रही हैं। समझ में आ गया कि अनर्थ होने वाला है, अब तो बस गए हम, मेरा बेटा हाथों से निकल जाएगा। डॉक्टर ने उनकी पूरी कोशिश की, इन लोगों ने, जो मेरे बड़े वाले जेठ हैं वो भी बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। काउंसलिंग में बड़े वाले भैया को बुलाए गए,
और डॉक्टर साहब हैं वो, उनको बोला गया कि ये बच्चे का ब्रेन खत्म हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया इसका। भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अपनी पत्नी और मेरी सासु माँ को जैसे बता रहे मैंने पीछे से सुन लिया कि ऋतु को संभालना, खेल खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहा, कुछ ही चंद ही मिनटों में खबर आएगी कि सब खेल खत्म। कोई उनको मालूम था ब्रेन खत्म मतलब खेल खत्म। जैसे ही इन्होंने बताया मैं पागलों के समान, मुझे होश नहीं है कि मुझे चप्पल है कि मुझे चुन्नी है, कुछ नहीं, मार्केट में ऐसे ही दौड़ते दौड़ते मंदिर, आगरा के बीच मार्केट में बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा, उस मंदिर में दौड़ते दौड़ते पहुंचे, गुरुजी सामने बैठे हैं और मैं हाफते हाफते बोल रहे हैं, गुरुजी मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, रोते जाओ मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरे सर पे हाथ करके कहा गुरुजी ने, शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा, मुझे पानी पिलाया, बोले मरने नहीं देंगे, हमको कोई पैसे की कमी थोड़ी है, इंडिया के अंदर इलाज नहीं, हम अमेरिका जाएंगे, इतने बड़े महायाजक है, महातांत्रिक है वो। मैंने उन पे विश्वास किया, श्रापित हैं वो लोग जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं, हालेलुया, मैंने मनुष्य पे भरोसा किया, और धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, पर हम परमेश्वर के पास नहीं गए। किरण ने सामने से न्योता दिया था कि आपका बेटा यीशु का चेला होगा, हमने नहीं माना, परमेश्वर ने मेरी घमंड भरी आंखों को नीचा कर दिया, हालेलुया, ऊंची उठी हुई आंखें उसे प्रसन्न नहीं है, हालेलुया। और गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, अखंड ज्योत जलाई, महातांत्रिक है, सिद्धि प्राप्त किए हुए इंसान है वो, और बोलने लगे बस बस मुझे दो दिन का टाइम दे, देख तेरा लड़का कैसे सामने खड़ा करता हूं। मैंने कहा ठीक है, आप कीजिए जो करना है कीजिए गुरुजी, पर मेरा बेटा सही सलामत आप लाके दीजिए। और चालू कर दिया जगराता, अखंड ज्योत जलाई और जगराता चालू कर दिया कि उतरा उतरा उतरा, कोई उतरा ही नहीं, कोई उतरा ही नहीं, वो भी गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, सब धीरे धीरे सब बंद हो गए। सन्नाटे ने मुझे जवाब दे दिया कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, खबर आ गई हॉस्पिटल से कि बच्चा खत्म हो गया। हम रोते पीटते हॉस्पिटल पहुंचे, दिन के 2 बजे मेरे बेटे की लाश दी उन लोगों ने, अपनी औलाद की लाश उठाई हमने अपने हाथों से, कितने अभागे हम कि अपने बच्चे की हमने लाश उठाई, रोते पीटते अपने बच्चे को लेते आए हम अपने घर, मेरे घर इतना बड़ा महल है मैं क्या बताऊं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर मुझ जैसा कंगाल कोई नहीं था, मुझ जैसा कंगाल कोई नहीं, मेरी औलाद ही मेरे हाथों से निकल गई, मैं इन पैसों को क्या करूंगी, मैं इन पैसों को चाटूंगी क्या, इस बंगले में मैं चाटूंगी क्या, मेरी औलाद मेरे हाथों से निकल गई। रोते पीटते हुए हम आए मेरे बेटे की लाश लेके, गुरुजी ने कहा ये मंदिर में दिया हुआ दान है, हमने जबान दी है कि नाथ बनेगा, ये खत्म हो गया तो भी ये नाथ पंथ के समान इसकी समाधि होगी, और वो हमने उसकी लाश रखी रात भर, उन्होंने कहा रखने के लिए सुबह को 11 बजे इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो आखिरी रात थी मेरे भाई बहनों जो मैं अपने बच्चे को देख रहे हूं, इसके बाद मैं कभी नहीं देखूंगी उसको। रोते पीटते हुए गिड़गिड़ाते हुए, अरे कोई तो आ जाए मेरे बच्चे को ठीक करे, अरे कोई तो आ जाए, रोते पीटते रह गई, कुछ नहीं हुआ, सब मुझे हटाते रहे, मोह निकाल बार बार मुझे पकड़ के उसकी लाश से दूर कर रहे हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं, मैं उसके पैरों को मैंने देखा, छोटे छोटे पैर मेरे बच्चे के, मैंने पैरों को पकड़ के चूमना चालू किया, मैं बार बार उसके पैरों को चूमू, बार बार मैं उसके हाथों को चूमू, मैं बार बार उसके माथे को चूमे, मेरे बेटे तू एक बार आंख खोल, एक बार आंख खोल, उसने आंखें खोली नहीं। मेरे माता पिता भाई बंधु जिसने सुना वो वापस आ गए मेरे पास, आ गए मेरे भाई सब आ गए, जिसने खबर सुनी सब आए,
कि अरे पहला बच्चा ही खत्म हो गया इसका। बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे संभालने की, पर औलाद जैसी धन संपत्ति है क्या कुछ? नहीं। रोते पीटते रह गए। रात के 12 बज गए और किरण का न्यूयॉर्क से फोन आया और किरण मुझे कह रही है, दीदी क्या किया अपने बेटे के लिए? मैंने कहा क्या नहीं किया होगा, क्या मुझे कोई कमी है? मैंने पैसा पानी के समान बहाया, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गए, अरे दान दक्षिणा किए, हवन किए, अरे मेरा बेटा निकल गया हाथों से, कहर हो गया मुझसे, अरे मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा बच्चा छोड़ के चला गया किवर, मैं तो लुट गई, मेरे लिए तो कोई नहीं, मेरा बच्चा ही है। और मुझे बोलने लगी, दीदी चुप हो जाओ, अपने आंसू पो, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। दीदी याद है आपके बेटे के नाम पे भविष्यवाणी हुई थी, ये साधारण बालक नहीं, ये शैमुएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा। जैसे ही इसने बोला मेरे अंग अंग में आग लग गई और मैंने उंगली उठाई उस पे, इसका मतलब तू झूठी, तेरा यीशु झूठा और वो खुदा का दास, परमेश्वर का दास पादरी, वो भी झूठा है। वो कहने लगी, नहीं मेरा यीशु सच्चा है। परख के देख दीदी, यहोवा कैसा भला है। मैंने कहा ये यहोवा कौन है? सॉरी, मैंने कहा यहोवा कौन है? उसने कहा जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जग का तारणहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परख के देख यहोवा कैसा भला है। मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले इसका मतलब यही है कि आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। आप घुटनों पे आओ, अपने पापों का अंगीकार करो और इन पापों को छोड़ो, आप पे दया की जाएगी। मैंने कहा नहीं, तू झूठ बोल रही है, मैं कैसे विश्वास करूं? मेरे बेटे की अर्थी सामने है, मेरे बेटे की अर्थी सामने, मैं कैसे फोन पे विश्वास करूं? परख के देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, खुला चैलेंज दे दिया इसने, मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने के लिए लेते हैं साधारण इंसान को, तो साइन ले लेते हैं कि जो कुछ हुआ आप जिम्मेदार हो। ये ईसाई लोग कैसे हैं, मरने के बाद भी गारंटी लेते हैं। हालेलुया। और मैंने कहा बता मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बोल रही थी वचन, पृथ्वी टलेगी, आकाश टलेगा, खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा, मुझे रोंगटे खड़े कर दिए इसने। ऐसा लगा कोई बिजली आई अंदर घुस गई, मेरे हाथ पैर थर थरा गए और एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कुछ तो है, झूठा इंसान दावा कर ही नहीं सकता, कहीं तो सच है तभी ये दावा कर रही है। मैंने कहा ये बता, सिंधी हम बिजनेस में हैं, सबसे पहले पूछते हैं प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना है। और मैंने उससे बोला अगर ये सच नहीं हुआ तो, मेरा बेटा अगर जिंदा नहीं हुआ तो किरण तू क्या करेगी बता? बोली पैर धो के वापस हिंदू धर्म में आ जाऊंगी, मैं बाइबल छोड़ दूंगी दीदी, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, अब बता जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी, मैं आ रही हूं इंडिया। इतना जबरदस्त विश्वास उसका, बस एक बार तू परख के देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मैंने कहा एक इंसान मर जाता है किरण, कई लोगों की मैंने अर्थियां उठते हुए देखी है किरण, कभी वापस नहीं आए। बोले नहीं दीदी, उनकी भविष्यवाणियां नहीं हुई थी, ये यीशु का चेला है, साधारण नहीं है, यह साधारण है, यह शैमुएल बालक के समान भविष्यवक्ता होगा, तो मतलब होगा, आप करके देखो, मैं आ रही हूं इंडिया। अब मैंने कहा क्या करूं, गुरुजी तो मुझे घुटनों पे आने नहीं देंगे, इतने बड़े महायाजक की बहू हूं मैं, घुटनों पे हिंदू लोग आते नहीं है। बोले परमेश्वर को पुकार दीदी, जरूर परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने योग्य है। हालेलुया। मेरे लिए भी मार्ग खोल। मैंने कहा अब परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो करके दिखा। मेरे बेटे के लाश के सामने कर्मों पे हाथ देके बैठे थे, आज लाइव देख रहे हैं गुरुजी, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी ये जीती गवाही मैं दे रही हूं, मेरे ससुर सुन रहे हैं। हालेलुया।
ये लाइव दे रहे हैं, उन लोग देख रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि मैंने फोन पे उनको कहा है चालू करो, हालेलुया। एक एक बात मैं जो बोलूंगी खुदा की हुजूरी में, हालेलुया, क्योंकि मेरा अब्बा सुन रहा है, हालेलुया। और मैंने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी आप मत रोइए, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। और मुझे ऐसे देख रहे हैं, पागल हो गई है क्या, इसको सदमा लग गया क्या, सब लोग खुसुर फुसुर करना चालू कर दिए, ये पागल हो गई है, इसको सदमा लग गया, बहकी बहकी बातें कर रही है। मुझे लग गया कि सब मुझे पागल समझ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं जाओ ऊपर रूम में जाके सो जा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दो। बोले कोई जादू टोना टोटका नहीं होता। मैंने कहा तो ठीक है गुरुजी, आप ही मेरे बेटे को जिंदा करो। और मुझे बोलने लगे दो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, एक मां के गर्भ में हाथ नहीं डाल सकता, दूसरा मरने वाले के अंदर सांस नहीं डाल सकता, ये दोनों चीज मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु मेरे यीशु के हाथ है, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बहस काफी हुई और 15 मिनट मैंने कहा अगर 15 मिनट नहीं दिया तो यह लाश नहीं उठेगी, समझ लीजिए आप। इस बेटे को मैंने पैदा किया है, सबसे पहला हक मेरा है, इस लाश को कोई छू नहीं सकता। बोले इसका मतलब तू मेरा मुंह काला करेगी कि मेरे मुंह पे काला टीका लगाएगी। मैंने कहा आप काला हो या पीला, आप भी जिद्दी मैं भी जिद्दी हूं, अब मैं देखूं मेरे बेटे को कौन छू सकता है। अब काला हो या पीला मुझे 15 मिनट चाहिए। बोले कल पेपरों में नाम आएगा, टीवियों में ऐड आएगी, ये तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम है, बड़े लोग बड़ी बातें होती हैं, अपनी इज्जत के खातिर मुझे 15 मिनट दिए, 15 मिनट दिए और मुझे एक शर्त रखी गई कि मेरा बेटा भी तेरे साथ होगा। मैंने कहा कबूल, ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ। और मैंने दरवाजा बंद किया और मुझे चिल्लाना चालू किए, किसने मारा कि मुझे होते हैं। मैंने किरण ने कहा कि उनका परमेश्वर जिंदा है, वो अंधों को देखता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, बहरों को शब्द सुनाता है, वो मुर्दों को जलाता है, हालेलुया। और चिल्लाने बैठे, किरण का दिमाग ठिकाने करूंगा, तेरे बाप का दिमाग ठिकाने करूंगा, तेरी माँ का, मैंने सब 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 बैठे हैं, सबका दिमाग ठिकाने करना सबका, पर एक बार मुझे 15 मिनट दे दो, सिर्फ मुझे घुटनों पे अपने पापों का अंगीकार करने दो। मुझे बोले ठीक है, अपने मरे हुए बेटे पे हाथ रख, सर पे हाथ रखाया और कहा कसम खा अपने बच्चे की, अगर ये नहीं उठा चुपचाप लाश उठाने देगी, कोई नौटंकी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कसम खाई मरे हुए बच्चे पे, अपने बच्चे पे मैंने सर पे हाथ रख के खाया, ठीक है अगर नहीं उठा तो मैं चुपचाप लाश उठाने दूंगी। मैंने कहा एक शर्त ये भी है आप पे कि खुद की औलाद आपकी भी है ना, आप भी घुटनों पे आओ। और वो भी घुटनों पे आए, मैं भी घुटनों पे। अब मैंने पहली प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना करने कभी नहीं मैंने की नहीं है, आरतियां की है, घंटी बजाई है, और मैंने पहली प्रार्थना की, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आप कौन हो हम नहीं जानते। किरण कहती है आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, प्रभु आपने हमको बनाया है पिता, प्रभु। वो कहती है कि आप जीवते खुदा हो, आप अंधों को आंखें देते हो, कोढ़ियों को शुद्ध करते हो, बीमारों को चंगा करते हो, लंगड़ों को आप चलाते हो, प्रभु कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया, सब कुछ किया, प्रभु आज मेरे लिए काम करो, हालेलुया, प्रभु मेरे बेटे को आप जीवन दो। मैंने एक चैलेंज कर दिया प्रार्थना करते करते, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह आपके दास वो पास्टर साहब आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि मेरा बेटा साधारण बालक में तो कैसे मर गया, क्या तू झूठा है यीशु, कि तेरा कलाम झूठा है, कि तेरा दास झूठा है। अगर तू सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है और तेरा दास सच्चा है, प्रभु तू साबित कर, आज हम सब सिंधियों को देखना है कि तू जीवता खुदा है, प्रभु तू मेरी खाली झोली तू भर। मैंने झोली फैलाई और भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, प्रभु मेरी खाली झोली तू भर, प्रभु मेरे बेटे को तू जीवन दान दे, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगी।
यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आंसुओं से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा जब हम पर आता है, आए हैं भर भर के प्रार्थनाएं करते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं की। मेरी आंखें खोली तो धुंधला दिखाई दे रहा था, मेरे बेटे की लाश थी। मुझे लगा हाथ हिलाया इसने, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे बेटे ने हाथ हिलाया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुझे वहम हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं देखो आप जाके, लाश पड़ी हुई है। ऐसे उठाया कफन, चादर लग ढली ढकी हुई थी, ऐसे उठाया, बोला देख कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे बस मुड़ के आए और मेरा बेटा ऐसे हाथ लाया और ऐसे पलटा और उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, बड़ा यीशु मसीह की। हालेलुया, सचमुच यीशु जिंदा खुदा है। मेरा बेटा जब खड़ा हुआ, मेरी बुलंद आवाज बंद हो गई। मैं चीखना चाह रही हूं, मैं चीख नहीं पा रही हूं। मेरे हस्बैंड पीछे पीठ है और बेटा ऐसे खड़ा हो गया है और ऐसे चल के आ रहा है। हालेलुया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूं पीछे मुड़ो, देखो क्या है। जब वो पुड़े ऐसे मुड़े और देखा, उनकी भी हवाएं गुल हो गई और चीख निकल गई, अरे बाप रे, इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे बेटे को हमने पकड़ा, ऐसे चूमना चालू किया, कूदना चालू कर दिया। हालेलुया। हमारे विलाप को नित्य में बदला यीशु ने। हालेलुया। मेरा बेटा आगे चलकर आके कह रहा है मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पूरा तेल लगा हुआ है, अजवाइन अजवाइन और तेल से मालिश कर रहे हैं। मम्मी गर्मी लग रही है, ये क्या किया मेरे सामने, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी, पसीने में से लथपथ हो रहा है। ये गर्मी क्या थी मेरे भाई और बहनों? ये गर्मी धधकती आग थी, पवित्र आत्मा की आग। सचमुच जैसे यीशु छूता है उसकी जिंदगी पलटती है। हालेलुया। और हम यीशु के दीवाने हो गए। हालेलुया, क्योंकि मुझे यीशु से प्यार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन और आज दिन हम यीशु के दीवाने हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये घड़ी बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है और मेरे जीवन में जबरदस्त गवाहियां हैं। सुनना चाहेंगे आप? जब परमेश्वर की मैं दीवानी हुई, परमेश्वर ने सिर्फ मुझसे एक ही कहा बात, मेरे लिए तू खड़ी हो जा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। बोले ठीक है कुछ नहीं आता, सिर्फ मेरे नाम से तू खड़ी हो जा। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरे जीवन में गवाहों का बादल ठहराया है उस खुदा ने। हालेलुया। जहां तुम पैर रख दोगे वहां जय का झंडा लहराएगा, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। हम ऐरे गेरे की संतान नहीं, हम सर्वशक्तिमान की संतान है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। ऐसे ही नहीं, सुभाष की लाके बोलता है यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह यहोवा। यहोवा। भाई जी अगर आ जाएंगे ऊपर, आ जाइए सब खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और उसको कहेंगे उसकी वाह 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 वाह, उसी को कहते हैं यहोवा।